कोविड-19 से बचने के लिए लॉकडाउन के साथ साथ अच्छे तरह से अपनी घर और यूज चीजों को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन ऑफ होम फर्नीचर एंड अदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स विदाउट एनी हाउस हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुड प्रैक्टिस बेटर लाइफ। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। First, make the all-purpose cleaning solution. 2 tablespoons of dishwashing liquid, 1/2 cup of vinegar, 2 cups of water and 2 tablespoons of any essential oil, or you can use coconut oil also. If you don't have vinegar now, you can use lemon juice also. पर अगर आप लेमन यूज कर रहे हो तो उसको एक दिन के अंदर ही आपको यूज कर लेना है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। तो चलिए अब क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन शुरू करते हैं घर की एंट्रेंस से। क्लीन द डोर नॉब्स एंड हुक्स आउटसाइड विंडोज डेली, स्पेशली इफ यू आर इन ग्राउंड फ्लोर। बाहर से आने के बाद शूज घर के अंदर ना लाइए, लीव इट इन सनलाइट फॉर सम टाइम इफ पॉसिबल। और घर आके इमीडिएटली चेंज योर क्लोथ्स एंड पुट देम इन द वॉशिंग मशीन। If you are using reusable masks such as N95 and gloves, wash them separately or else discard them. Wash your hands, legs and face and other uncovered areas of your body with soap and water. और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कई बार लोग जल्दी में सिर्फ पानी से ही हैंड वॉश कर लेते हैं और सोचते हैं कि हैंड वॉशिंग हो गया। बट ये जो कोरोना वायरस है उसकी बाहर एक लिपिड लेयर होता है जो चिपक जाता है आपकी स्किन से, सिर्फ पानी से वो नहीं जाता है। साबुन में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज होता है जिससे कि वायरस के लिपिड लेयर डिजॉल्व होके पानी के साथ निकल जाता है। टेक बाथ विथ वार्म वाटर एंड सोप इफ पॉसिबल ट्वाइस अ डे। इसके बाद आता है फ्लोर मैट्स की बारी। हफ्ते में एक बार फ्लोर मैट्स को क्लीन करिए। नेक्स्ट आपको क्लीन करना है द मोस्ट यूज्ड आइटम्स, यानी कि मोबाइल फोन, टीवी रिमोट्स, माउस एंड कीबोर्ड। मेरे पास ये नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स है, इससे मैं वाइप कर दूंगी ये चीजों को। ये ना हो आपके पास तो नॉर्मल लिक्विड नेल पेंट रिमूवर को कॉटन या टिश्यू पे लेकर वाइप कर सकते हैं। कफिंग, स्पीटिंग, नोज ब्लोइंग से फैल सकता है कोरोना वायरस, इसलिए वॉश बेसिन को कोई भी एसिड बेस्ड क्लींजर से हर रोज एक बार क्लीन कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लीन द टैप विच वी टच फर्स्ट विद अवर डर्टी हैंड्स। अब बारी आती है द मोस्ट टच्ड सरफेस, द स्विचेस ऑफ लाइट, फैन एंड कॉलिंग बेल। फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, फिर वही नेल पेंट रिमूविंग वाइप से सभी स्विच को मैं क्लीन करते रहूंगी। बट डोंट स्प्रे एनी क्लीनिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रिक स्विचेस, इट्स वेरी डेंजरस। इफ पॉसिबल चेंज द बेडशीट डेली, और नहीं तो 3-4 दिन में एटलीस्ट एक बार चेंज करिए, और हर रोज एक बार धूप में डालिए 2 घंटा के लिए। घर की फ्लोर को सिर्फ पानी से ना पोछिए, लाइजॉल, डेटॉल या कोई भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन को पानी में मिलाकर पोछा लगाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीन द किचन काउंटर टॉप विद द ऑल पर्पस क्लींजर इंस्टेड ऑफ वाटर। बाहर से लाया हुआ कोई भी चीज जैसे कि दूध का पैकेट और वाटर कैन को या तो सोप वाटर से नहीं तो क्लीनिंग सॉल्यूशन से क्लीन कर लीजिए। वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज को आप ओवरनाइट के लिए अनटच्ड ही छोड़ दे तो बेहतर है, फिर अगले दिन सब समेट के रखना। और घर को जितना हो सके ऑर्गेनाइज्ड रखना, और खुद भी पूरा दिन घर के कपड़ों में ना रहकर थोड़ा तैयार होके रहना, ताकि कंटिन्यूअस घर में रहते हुए आपको डिप्रेशन ना हो। बस यही था मेरा क्वारंटाइन क्लीनिंग रूटीन। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा।
prevent coronavirus, staying safe.